लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। एक बार फिर रिश्तों को तार तार करते हुए पहले अपनी सगी भतीजी को प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे भतीजी ने चाचा के साथ शादी करने से इनकार किया। तो चाचा ने माँ और छोटे छोटे भाई बहन के साथ ननिहाल जाते समय भतीजी के गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद भी आत्महत्या करने की नीयत से गोली मार ली, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बदनपुर से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले संजीव कुमार यादव एक ट्रक चालक हैं, जिसकी शादी नहीं हुई थी। वह कहीं से सोनी कुमारी नाम की महिला के साथ शादी कर घर लाया था। महिला के साथ पहले पति से जन्मी 9 साल की पुत्री शिप्रा भी आई हुई थी और इसके अलावा संजीव से उक्त महिला के 2 और संतानें पैदा हुई। शिप्रा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जो इस समय कक्षा 9 की छात्रा थी, जिसकी उम्र 16 वर्ष के लगभग हुई थी, जिससे संजीव का 25 वर्षीय भाई अनिल कुमार, जो शराब पीने का आदी था, जिसके कारण उसकी भी शादी नहीं हुई थी, जो शिप्रा का सगा चाचा लगता था, जिसने सारे रिश्तों को तार तार करते हुए भतीजी शिप्रा को पहले अपने प्रेम जाल में फांस लिया और उसके शारीरिक रिश्ते भी बने, जिसकी भनक उसकी माँ को लग गई तो उसने इसका विरोध भी जताया। आरोपी अनिल ने अपने पति के विरोध देखा तो भतीजी के साथ 6-7 दिन पूर्व शादी करने का प्रस्ताव रखा और अपने साथ शादी करने के लिए दबाव भी बनाने लगा। वह अपनी भाभी से कहने लगा कि चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। जिस मृतक के लिए ना तो भतीजी राजी हुई और ना ही भाभी। परिवार की मान मर्यादा को देखते हुए पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई थी कि शायद मामला ऐसे ही सुलझ जाएगा। लेकिन आरोपी के बार बार दबाव डालने पर शिप्रा की माँ अपने देवर से छुपते छुपाते शाम ढले शिप्रा और अपने 2 मासूम बच्चों के मायके जाने के लिए गांव से सवारी के लिए मेन रोड पर पैदल ही जा रही थी, जिसकी भनक आरोपी अनिल को लगी तो उसने गांव से 2 किलोमीटर दूर भागकर चारों लोगों को घेर लिया और मायके जाने से इनकार करने लगा। और इसी बीच उसने फिर शादी का प्रस्ताव रखा और अपनी भाभी के थप्पड़ मार दिया और हाथ पकड़कर शिप्रा को ले जाने लगा। जब शिप्रा ने विरोध किया तो उसके गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसको मरा देख आरोपी ने खुद को भी आत्महत्या करने की नीयत से गोली मारी, जैसे अभी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस थाना को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है? सोनी कुमारी। अभी अभी आपकी बेटी की हत्या कर दी है। किसने हत्या कर दी है? अनिल कुमार। किस लिए हत्या की गई है? ब्याह करे का रिश्ते में बेटी के कौन लगता था? ये चाचा लगा। लगातार प्रयास क्या कर रहा था, क्या कहना क्या चाह रहा था? की आज 5-6 दिन से ब्याह उनकी मोड़ी की हम लगा दिए, सब से ऐसा से ब्याह लगाए जकाते की चुपा चुपा हमसे ब्याह करता, हम ब्याह मोड़ी से करी, मोड़ी से ब्याह, मोड़ी जकाते चाचा तुम चाचा लगे, तुम हमसे ब्याह ना करो, हम ब्याह नहीं करे तुमसे, जकाते की बताओ जल्दी ब्याह करी की नहीं, तू कहो की हम ब्याह करी, तू ब्याह करे, वो कहते ना हम चाचा लगी हो, हमारे पापा तुम्हारे ससुर हो जी। ये पूरा प्रकरण थाना कुर्रा क्षेत्र जनपद मैनपुरी का है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 15-16 साल की लड़की को उसी के चाचा ने गोली मार दी है और गोली मारने के बाद उस चाचा ने खुद को भी गोली मार ली है। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस फोर्स वहाँ पहुँची थी। लड़की कि मौके पर ही मौत होने की बात थी तो उसको वहाँ से उठा करके बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया, साथ ही साथ घायल चाचा को भी अस्पताल भिजवाया गया था, जहाँ से उसको गंभीर अवस्था में सैफई के लिए रिफ़र कर दिया गया। घायल चाचा ने ही बताया था, खुद ही स्वीकार किया है, उसका वीडियो भी उपलब्ध है कि उसने गोली मारी है लड़की को और खुद को भी। जाँच पड़ताल में बात सामने आई है कि मृतका लड़की अपनी माँ के साथ और छोटी बहन के साथ माँ के मायके जा रही थी। इस बात का ये चाचा जो शराबी भी है उस विरोध कर रहा था, जब ये लोग नहीं मानी तो चाचा ने गोली मार दी है और इसमें लड़की की मृत्यु हो गई है। इस तरह का वाकया है। इसमें शुरुआती छानबीन में जो भी बातें आई हैं वो ये भी चर्चा है कि इस
आरोपी चाचा का इस लड़की से प्रेम संबंध भी थे और इसी कारण से हम मायके नहीं जाने देना चाह रहा था। ये सब बातें हैं। दूसरी बात जो है, इसके मृतका के पिता अभी आने वाले हैं, उनके द्वारा जिस भी प्रकार की तहरीर दी जाएगी उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके